people out there, I'm Uma Tahir, and you're watching my YouTube channel to be adorable. So I'll take a new spot reducer gel patches review. Monsoons आ गए हैं और acne का issue सबको है, तो मैंने सोचा चलो कुछ try किया जाए. मैंने 15 days पहले जो है इसको buy किया था Chase से, आप मेरे blog में देख सकते हो. अच्छा ये claim क्या करता है कि इसमें active ingredients हैं जो कि reduce करते हैं acne को, redness को, किसी किस्म की dryness नहीं करता, किसी किस्म की irritation नहीं करता. अच्छा इसको अगर हम tilt करें तो आप देखेंगे spot reducer gel patches. अब spot reduce करते हैं या नहीं ये बाद में पता चलेगा. चलें नीचे इन्होंने जो है इसकी एक्सपायरी दी हुई है. एक्सपायरी जो है ये 4/18/2018 इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और 4/17/2021 इसकी एक्सपायरी है. अच्छा इसके बाद जब हम इसको टर्न करते हैं तो साइड पे इन्होंने कॉशन दिए हुए हैं जिसमें इन शॉर्ट ये बताया हुआ है कि एक टाइम पे या आप कोई एक्नी रिड्यूसिंग मेडिसिन यूज़ करिए या फिर इन पैचेस को यूज़ कीजिए. दोनों को यूज़ करना एक्स्ट्रा ड्राइनेस कॉज कर सकता है और किसी किस्म की एलर्जी भी कॉज कर सकता है. ठीक है ऊपर इन्होंने जो है ब्रांड का नाम मेंशन किया है और उसके बाद बैक साइड पे इन्होंने पहले बताया है कि इसमें जो है हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स जो है एक्ने को रिड्यूस करते हैं. अच्छा इसके अलावा उन्होंने इसमें नीचे डायरेक्शंस दिए हैं कि पैच को किस तरह रिमूव करना है, चीक पर लगाना है या एक्ने स्पॉट पर ओवरनाइट छोड़ देना है. ठीक है पूरा इन्होंने प्रोसीजर बताया, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट बताया जो कि सैलिसिलिक एसिड, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स बताए हैं. इसके बाद इन्होंने बताया कि जी एडविन कंपनी है, एडविन कोरिया कॉरपोरेशन, तो ये मतलब एक कुरियन प्रोडक्ट है. और बाय द वे मैंने भी इसी बात से इंस्पायर होकर लिया था क्योंकि कुरियन आपको पता है मास्टर हैं स्किन केयर में, तो मैंने सोचा कि ये वर्क करेगा. तो आइए आगे आपको बताती हूँ कि वर्क करता है या नहीं. अच्छा इसके अंदर टोटल जो है 30 पैचेज हैं. अब मेरे फेस पर तकरीबन 5 जगह जो है ऐसा लग रहा था कि एक्नी हो रही है, मतलब वो निकल रहे हैं. तो मैंने ये ख़रीदा, इसको अगर आप खोलें तो इसके अंदर आपको 3 पैक्स नज़र आएंगे, हर पैक के अंदर 10 पैचेस हैं, तो इस तरह टोटल 30 पैचेस हैं. ठीक है तो मैंने इनको परचेज़ किया. ये देखिए ये वाला जो है इस बॉक्स के अंदर से भी जो है मैंने 2 पैचेज निकाले हुए हैं. बाय द वे इसने ये बात भी डायरेक्शन में दी है कि आप जब एक पैक को ओपन करें विद इन 2 वीक्स यूज़ कर लें, लेकिन जब आप लगा लें उसके बाद पैच को लगाने के बाद इसको फोल्ड करके इस पर पेपर क्लिप लगाएं, ये बॉबी पिन लगाएं. ये मस्ट है, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को चाहे कोई मास्क हो कुछ हो लीव नहीं करते. अच्छा ये 3 पैक्स हैं, एक बॉक्स में ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज़ को देखना है कि वो वर्क कर रही है नहीं तो तकरीबन मिनिमम 7 डेज़ आप उसको ज़रूर यूज़ करें. चलो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये जो है किस किस्म का प्रोडक्ट है. ये ट्रांसपेरेंट जो है पेपर उसके ऊपर इन्होंने ये जेल पैचेस जो है स्टिक किए हुए हैं. तो ये देखिए ये 8 है, 8 इसलिए है कि मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि इनमें से तकरीबन जो है 2 पैचेस ऐसे हैं, यस हाँ जी 2 पैचेस ऐसे हैं जिनको मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, बाकी 8 हैं. अच्छा अब मैं इसको उतारती हूँ तो ये पेपर से बिल्कुल इस तरह स्टिक है, ट्रांसपेरेंट पेपर से जिस तरह टेप नहीं होती इस टाइप का, और ये जैसे वो सनी प्लास हम लोग यूज़ करते हैं वो जो है ना जख्मों के ऊपर, उस तरह का कुछ है मटेरियल. अच्छा उसने कहा है कि आप जहाँ पे भी फर्ज करें यहाँ आपको एक्टिव स्पॉट है, तो यहाँ पे आप इसको स्टिक कर देंगे अच्छी तरह, इसको एजिस से प्रेस करेंगे, टैप करेंगे ताकि ये टोटली एक्नी के साइड्स पर भी स्टिक हो जाए और सेंटर में भी स्टिक हो जाए, ताकि जो भी इसके अंदर मतलब जो सैलिसिलिक एसिड है वो प्रॉपरली वर्क कर सके. तो जी मैंने 7 डेज़ इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया है. अच्छा पहले आप देखें इसको आप उतारें, अभी मैंने लगा के उतारा है तो अभी तो एब्जॉर्ब नहीं हुई ना कोई, कुछ भी नहीं है ऐसा लगता कुछ, इवन उसकी स्टिकीनेस भी इतनी अच्छी नहीं है. तो मेरे लिए तो ये मतलब मैंने इसको यूज़ किया है बिल्कुल फजूल है, स्टिक भी नहीं करता प्रॉपर मेरी स्किन के हिसाब से, क्योंकि हर बंदे की अपनी स्किन है. तो मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि मेरी स्किन पर तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता. ये मैंने चेस से 275 का परचेज़ किया था, एक दूसरा आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा परचेज़ किया 275 रुपीज़ का. तो मैंने तो मतलब पूरे अपने पैसे वेस्ट किए हैं, मेरे से पूछे बिग नो. मैं आपको कहूँगी कि प्रोडक्ट बिल्कुल ज़ीरो है, मत परचेज़ करें इसको. बहरहाल आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हो सकता है आपकी स्किन पे रिजल्ट दे, बट मेरी स्किन पे नो. ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था. अगर आपको ऐसे ही किसी और प्रोडक्ट के लिए ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके लिए ऐसा ही कोई और वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी. और जो है ये तो मतलब मेरे लिए फजूल ही आपको पता चल गया होगा. तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ इस तरह का, आपने भी इसको ट्राई किया है या नहीं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।